संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले चुनाव प्रचार में नहीं किया गया मर्यादा का पालन। कहा एक साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मोहन भागवत के वक्तव्य का किया समर्थन, बोली मणिपुर भारत का अभिन्न अंग। कहा इंडिया गठबंधन भी करता रहा है मणिपुर में शांति की बात। आज कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा, रायबरेली और अमेठी में होगी यात्रा। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी क्षेत्र की जनता को जताएंगे आभार, कल वायनाड जाएंगे राहुल। आज ओडिशा में बीजेपी विधायक दल की बैठक, कल 12 जून को पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट, लिखा भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले को बीजेपी ने बनाया मंत्री, भगवान राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज करहल विधानसभा से अखिलेश यादव दे सकते हैं इस्तीफा, कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद देंगे इस्तीफा, सपा नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, बोले बिना कांग्रेस के तेजस्वी नहीं कर पाएंगे बिहार का विकास, बोले कांग्रेस ही मेरा एकमात्र लक्ष्य। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। कहा केंद्र शासित राज्य की विधानसभा में जाकर स्वयं को नहीं करूंगा अपमानित। केंद्र द्वारा मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, बोले बिहार की वजह से मोदी बने पीएम, मंत्रालय बंटवारे के समय राज्य को थमा दिया गया झुंझुना। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, बोले अगर जेडीयू और टीडीपी को बचाना है अपनी पार्टी तो अपने पास रखे स्पीकर का पद।